मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ए मान लो क्या है ना, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लो वन है, जीरो है, माइनस वन है, टू है, वन है, माइनस वन है, थ्री है, वन है, टू, ठीक है। और बी मैट्रिक्स है वन 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 वन, माइनस वन, टू, वन वन, जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ए बी जो है वो क्या होगा ना, बी ए के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन यही है, ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं है, बताओ। समझ में आया? समझ में आया सबको? अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है ना, इसमें कुछ है नहीं। इनको मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आता है ना, थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर है मैथमेटिक्स का, इस क्वेश्चन को हवा उड़ाएगा, है कि नहीं है, बताओ। कुछ भी नहीं है ये, देखो मैंने ए बी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, ए बी निकालो यहाँ पर, है ना। ए बी जब निकालोगे तो देखो क्या क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है, वन जीरो माइनस वन, टू वन माइनस वन, वन जीरो माइनस वन, टू वन माइनस वन, एक कौन लिख रहा है, सही है, थ्री वन माइनस टू, थ्री वन माइनस टू, ठीक है। अब देखो यहां पर बी को मैंने क्या दिया है, वन 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 वन, वन माइनस वन, टू, वन माइनस वन, टू, ठीक है। हे, हु इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, इडियट। एंड वन वन जीरो, वन वन जीरो, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, है ना, सबको पता है ये रो ले रहे हो, तो इसको क्या करना है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, हाँ या ना। अब देखो पहला रो वन है, तो ये क्या होगा, वन इंटू वन वन हो गया, प्लस जीरो इंटू वन क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, प्लस माइनस वन इंटू वन माइनस वन हो गया, ठीक है। पहला रो का मल्टीप्लाई किसके साथ किया, पहला कॉलम के साथ किया। अब वो पहला रो में ही करना है तुम्हें, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो वन इंटू वन वन हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, है ना। अब पहला रो का किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वन इंटू वन वन हो गया, प्लस जीरो हो गया और फिर से जीरो हो गया, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। अब देखो दूसरे रो का क्या करना है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, दूसरे रो का क्या करना है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, हाँ या ना बोलो, करो। जब दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टू इंटू वन क्या हो गया, टू हो गया, है कि नहीं है, और फिर वन इंटू वन क्या हो गया, वन हो गया, और माइनस वन इंटू वन क्या हो गया, माइनस वन हो गया, फिर टू इंटू वन क्या हो गया, टू हो गया, वन इंटू माइनस वन क्या हो गया, माइनस वन हो गया, और माइनस वन इंटू वन क्या हो गया, माइनस वन हो गया, हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब देखो टू से मल्टीप्लाई कर, टू इंटू वन क्या हो गया, टू हो गया, वन इंटू टू क्या हो गया, टू हो गया, एंड कौन लिख रहा है यार, टू इंटू वन टू हो गया, सही तो है, और टू इंटू वन क्या हो गया, फिर से टू हो गया तुम्हारे पास, माइनस वन इंटू जीरो क्या हो गया, प्लस का जीरो, बताओ। अरे समझ में आया सबको, कर लोगे आप? अब क्या करना है तुम्हें, तीसरा रो का किसके साथ करना है, पहले कॉलम के साथ करना है, तो थ्री इंटू वन क्या हो गया, थ्री हो गया, है ना, प्लस वन इंटू वन वन हो गया, माइनस टू हो गया, है कि नहीं है,
अब 3 इंटू 1 क्या हो गया, फिर से देखो 3 हो गया, 1 इंटू -1 क्या हो गया, -1 हो गया, -2 इंटू 1 क्या हो गया, -2। अब देखो 3 इंटू 1 क्या हो गया, फिर से देखो 3 हो गया, 1 इंटू 2 क्या हो गया, क्या हो गया, +2 हो गया, -2 इंटू 0 देखो क्या हो गया, 0 हो गया। बताओ सबको समझ में आया, तो इनको सॉल्व करो। देखो ये पहले वाले को देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 -1 ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा भी देखो 0 हो गया, तीसरा क्या हो गया, 1 हो गया। इधर आ, ये देखो 2 आ गया है कि नहीं है, ये देखो क्या हो गया, ये 0 हो रहा है क्या, 0 हो गया। 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। 3 + 1 4 - 2 2 हो गया, ये क्या हो गया बताओ, 3 - 3 ये देखो 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ए बी आ गया है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ए बी देखो क्या आ गया तुम्हारे पास, ए बी क्या आ गया, 0 0 1 0 0 1 2 0 4 2 0 5 है ना, 2 0 4 यही है, चेक कर लेना ठीक है, कोई करेक्शन होगा कर लेना ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया ना, ए बी आ गया ठीक है, कोई दिक्कत तुम लोग किसी को कोई दिक्कत है। अब क्या करना ना, बी ए निकालना है ना, तो बी ए अब निकालो आराम से, तो बी ए निकालो, तो बी ए में वैल्यू मेरे को बता दो क्या क्या था। बी ए निकालना है तो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, बी लिखोगे है ना, देखो पहले यहाँ पे बी लिखो, और फिर यहाँ पे क्या लिखो, ए लिखो है कि नहीं है बताओ। यहाँ पे बी लिख, यहाँ पे बी लिखो फटाफट लिखो, बी क्या है, 1 1 1 है ना, यही है ना जी, 1 1 1 -1 2 1 1 1 -1 2 और क्या है, 1 1 0 है क्या, 1 1 0 एक क्या, 1 0 -1 1 0 -1 2 1 -1 2 1 -1 3 1 -2 3 1 -2 ठीक है। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट करें अपन। देखो पहला रो ले रहे हो तो पहला कॉलम ले रहे हो ठीक है, पहला रो और पहला क्या ले रहे हो, कॉलम ले रहे हो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, पहला कॉलम ले रहे हो। तो देखो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और +2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया, +1 इंटू 3 क्या हो गया, 3 हो गया। तो लिख लो 1 + 2 + 3 ठीक है। अब देखो पहला रो दूसरे कॉलम के साथ करो, पहला रो दूसरे कॉलम के साथ करो, 1 इंटू 0 वो 0 हो गया, +1 इंटू 1 1 हो गया, और फिर से 1 इंटू 1 देखो 1 हो गया ठीक है। अब पहला रो तीसरे कॉलम के साथ करो ठीक है, -1 हो गया, और 1 इंटू -1 -1 हो गया, और 1 इंटू -2 -2 ठीक है। अब क्या करो, दूसरा रो को पकड़ो, दूसरा रो को किसके साथ जाओगे, पहले कॉलम के साथ जाओ, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, -1 इंटू 2 क्या हो गया, -2 हो गया, और 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया, हाँ या ना बोलो। देखो 1 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया, -1 इंटू 1 क्या हो गया, -1 हो गया, और 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया ठीक है। अब देखो 1 इंटू दूसरे रो को किसके साथ जाना है, तीसरे कॉलम के साथ जाना है आप ठीक है, समझ रहे हो, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -4 हो गया, सही है जी, सही है। अब देखो पहले तीसरे वाले को किसके साथ करना है, पहले वाले के साथ करो ठीक है, 1 + 2 + 0 ठीक है, तीसरे वाले को पहले वाले के साथ करो, तो 0 + 1 + 0 सही है, चेक कर लो। और तीसरे वाले को फिर इसके साथ करो, तीसरे वाले को दूसरे कॉलम के साथ किया,
अब तीसरा रो को तीसरे कॉलम के साथ करो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, एंड जीरो इंटू माइनस टू प्लस। ठीक है, मैं इसको यहां पर लिखूं, ये क्या आ गया बताओ, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स आ गया क्या, ये क्या आ गया टू आ गया, और ये क्या आ गया माइनस फोर आ गया क्या, चेक करके बताओ फटाफट, सेवन माइनस टू क्या, ये क्या आ गया फाइव आ गया, ये क्या आ गया माइनस थ्री आ गया, माइनस थ्री आ गया प्लस वन आया, टू माइनस वन प्लस वन आया है ना, प्लस वन आया, समझ रहे हो, और ये क्या आ गया माइनस फोर आ गया, और ये देखो क्या आ गया थ्री आ गया, और ये क्या आ गया वन आ गया, और ये क्या आ गया माइनस टू आ गया, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया, गुड 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 गुड। तो यहाँ पर मेरे को बता दो कि ये बी ए मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, बी ए मल्टीप्लाई करके क्या आया, सिक्स फाइव थ्री, सिक्स फाइव थ्री, और क्या है टू वन वन, टू वन वन, माइनस फोर माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर माइनस फोर माइनस, ये क्या आ गया बी ए है, ये क्या आ गया बी ए है, मैं ए भी यही पर लिखा दूंगा तो ठीक है, ए भी क्या आ रहा है बच्चों, ए भी क्या आ रहा है, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, टू जीरो फोर है ना, टू जीरो फोर, टू जीरो फाइव, टू जीरो फाइव, यहां पर देखो ए बी, बी ए के इक्वल नहीं है किसी भी एंगल से है ना, किसी भी एंगल से इक्वल दिख रहा बताओ, तो हेंस तुम क्या कहोगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है ना, अब कोई करेक्शन होगा तो खुद से कर लेना है कि नहीं, बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है।